आपने अगर इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो जाके एक बार चेकआउट कर लो। यहाँ पे शिमला स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे ट्रेन रुकी हमारी और हम यहाँ पे उतरे हैं। ये ट्रेन शायद कालका के लिए जाएगी शिमला से। यहाँ का व्यू बहुत सही आ रहा है भाई 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 भाई, ये शिमला का स्टेशन, ये हमारी ट्रेन, इसी में हम बैठ के आए हैं। स्टेशन पे उतर गए हैं पर पता नहीं जाना कहाँ पे है, बस ये तो दिक्कत है, पता नहीं जाना कहाँ पे है, बस चली जा रहे हैं भाई भाई। ये पीछे बंदा, ओ भाई भाई इधर ही आ रहा है वो, ओ बेटे बच गए बच गए बच गए। ये पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, स्टेशन की पहाड़ियाँ। यार एक तो बैग इतना भारी कर दिया, पता नहीं ठूसा गया मेरे बैग में यार, क्या ठूसा गया। तो यहाँ पे हमें रूम कह रहे हैं 800 रुपये में, है ना, 800 में रूम और गाड़ी भी कह रहे हैं, हम आपको फोन पे देंगे। गाड़ी की 2500, रूम और गाड़ी का 2500, और दो नाइट का, एक दो दिन का है ना, दो दिन का। तो यार हमने गाड़ी का क्या करना है यार, वो तो हम अपने भी चले जाएंगे। माल रोड को जाते हैं, मैं लास्ट टाइम भी आया था यहाँ पे, शायद इनका होटल इधर को ही है कहीं को। अरे तो इतने भारी बैग और इतना चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है तो ये बुरा है थोड़ा सा। तो यहाँ पे कहीं पे हमारा होटल, ये बर्फ यार, थक गया मैं तो भाई, पता नहीं कहाँ आ गए, खुफिया सी जगह पे, पता नहीं कितना और चलना पड़ेगा। काफी देर से हम चल रहे हैं, स्टेशन से यहाँ तक चलना ही पड़ रहा है क्योंकि रोड नहीं थी जाने के लिए। ये बर्फ, अब हम चढ़ेंगे पौड़ियाँ। ये होटल ये है फाइनली, एलसीडी लगी हुई है, पंखा चल रहा है, वो थकावट पूरी होगी, इतनी बाहर ठंड है और पंखे में मजा सा आ गया। बहुत पौड़ियाँ चलनी पड़ी तो इस होटल में रुक गया हम। अपने जाना ना, आज का स्टे जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बर्फ देखने अगर जो शिमला की मेन जगह, वो ये वाली जगह है, ग्रीन वैली कुपरी इंडा टूरिस्ट पार्क फन वर्ल्ड चिन्ह बंगलो है, मिनी जू है, हॉर्स राइडिंग पॉइंट, फागू वैली है, पैराग्लाइडर जैसे पीक, नाग टेम्पल। तीन लोग गाड़ी में रहेगी सिर्फ, कुपरी प्लस जाखू मंदिर। अगर लेना ही वाला रूम ये मैं आपको इतने में कर दूंगा टोटल, और रहना भी घूमना भी तीनों आदमी का, भैया खाली वन नाइट स्टे का बता दो मेरे को। ये वाला रूम लेना लो मेरे भाई यार, 800 रुपये ज़्यादा खर्चा आपको तब होगा अगर आप रूम ही रूम लेके गाड़ी फिर कर दें। तो ये वाला रूम हमें मिलेगा, ये वाला 800 रुपये का, सिर्फ एक नाइट स्टे का, दो कुर्सियाँ लगी हुई हैं इसमें और एक एलसीडी लगी हुई है, पता नहीं है चलती है नहीं, सेट टॉप बॉक्स तो लगा रखा है, शायद चलती होगी। और ये सामने मिरर, नहीं मिरर नहीं है, मिरर लगा। तो यहाँ पे हम बार्गेनिंग कर रहे हैं, एक्चुअल में वो रेट हमें पसंद नहीं आया, वो 800 सिर्फ 800 तो स्टे का कह रहे हैं। क्या हुआ, क्या बना, तो वहां तो बात बनी नहीं, हम दूसरी जगह आए हैं देखने, पता नहीं यहाँ पे क्या रेट होगा। हाँ जी ये रूम है और ये टीवी, ठंड काफी है यहाँ पे, काफी ठंड है यहाँ पे, ये रूम देखने आए हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। क्या बना, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, माल रोड पे लेंगे, बात नहीं बनी शायद, हम आ जाएंगे वहां पे, हमने कार तो ले लिया है, यहाँ पे यहाँ से जाना है, यहाँ से खुफिया से रास्ते हैं, यहाँ पे तो पता नहीं लगता। यहाँ से मैंने कहा खुफिया रास्ते पता नहीं लगते, तो सही में खुफिया पता नहीं लगते यार, वर्टिको में रहना।
माल रोड का कोई खराब होगा होटल, बजट कैसा? या तो फिर ड्रीमलैंड है, उसमें 1250 का रूम है, उसमें बालकनी है आगे से। अच्छा जी। हाँ जी, तो हम जा रहे हैं वापस माल रोड पे होटल देखने, है ना? माल रोड पे जहाँ तक मुझे अंदाजा है महंगे ही मिलेंगे, बाकी इस भाई को यकीन नहीं है, इसको यकीन दिलाने के लिए कि माल रोड पे कैसे हैं। कहाँ है ये? नहीं, ये हम किसी जगह पे आए हैं। अच्छा व्यू मिलेगा वहीं, व्यू कहीं नहीं मिलेगा तो अच्छा। तो ये हमारी तीसरी जगह है जहाँ पे हम रूम देखने आए हैं। हर एक रूम में मतलब ऐसा बेड जरूर है, और इस ये टीवी के साथ एलसीडी, और ये अपना वॉशरूम वगैरह, अपनी बालकनी, यहाँ का व्यू है थोड़ा सा बढ़िया रूम का, ये रूम का व्यू है। तो यहाँ पे अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ होटल का, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ बहुत ज्यादा, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो हम एक और होटल देखने जा रहे हैं फाइनली, पता नहीं कितने होटल देखेंगे एक दिन में, पता नहीं कितनी दूरी पे होगा, पर हम जा रहे हैं, और पता नहीं प्राइस फाइनल होगा कि नहीं इस बार भी। अब तो मैं थक गया, मुझे भी दे दे ट्रॉफी यार, ट्रॉफी अलग अलग खाई जा रहा है, ये नहीं खाई मैंने। और यहाँ पे हम जा रहे हैं होटल देखने, ये चाहिए, ये टीवी लेके जा रहे हैं, पता नहीं क्या लेके जा रहे हैं भाई, कि डाक वाली गाड़ी। भाई मैं तो गया थक, अब जो भी मिले उसको कर लियो डन, लंच कर, लंच डिनर जो भी है। भाई मुझे तो लग रही है प्यास, दिला दे कोल्ड ड्रिंक। डाबे पे चलिए, पहले बैग रख के आराम से डाबे पे जाएंगे, वीडियो आराम से 1-2 बजे तक घूमेंगे रात के। आज है 14 फरवरी वैलेंटाइन का दिन, और हम आ गए उठा के 3 ये फेमस चर्च, हम इन्हें फॉलो कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं कितना और चलना पड़ेगा यार। मैं तो ना बस फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मैं यहाँ से कूद के ना आत्महत्या कर लूंगा, नहीं मिली होटल तो। बस चली जा रहे हैं, इसने कुछ उठाया हुआ नहीं है, कुछ हो या ना हो, और हम बस चली जा रहे हैं बिना मतलब से। पता नहीं कितना देर और कितनी देर ऐसी चढ़ाई चढ़ के आना पड़ रहा है यार, बहुत ज्यादा थक गया मैं, और ऐसे चढ़ के उड़ जाना पड़ेगा। ये सारी स्नो है, ये बर्फ है। फाइनली हम होटल में आ गए, शायद यही है, अब देखते हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं होटल देखने वापस से, यहाँ का नज़ारा बहुत सही है, पर यार नज़ारे से क्या लेना, हमने अंदर से होना है। एक ये होटल है, एक ये मतलब रूम है। वॉशरूम, टीवी, मेन्यू, इस तो बताते जाओ सर। आप देख कर रहो, 15 हमने 9 और 16 देखा है। हाँ 9 और 16। बाहर का व्यू ऐसा कुछ आएगा जो कि ठीक है, बढ़िया है। अब पता नहीं प्राइस क्या होगा, कौन सा तो मैं दिखाता हूँ आपको अपना होटल, मतलब जिसमें हम स्टे कर रहे हैं। बस मुझे फॉलो करो, ये पोड़िया देख रहे हो, इसमें से हमें जाना है, और हमारा रूम नंबर है
रूम नंबर है 9, रूम नंबर 9 है तो उसको 900 रुपये देगी। तो हमारा होटल है 2nd floor पे, आपको आना पड़ेगा। तो मैं आपको व्यू दिखाऊंगा यहाँ से जो हमने होटल लिया, आगे होटल बाइक मतलब स्पेशली व्यू के लिए लिया है। आप देख सकते हो ये कुछ मतलब जो हमारा रूम है, सामने व्यू सही व्यू है, मतलब सुबह के टाइम मतलब बढ़िया आएगा ये व्यू है। चलो मैं आपको अपना मतलब जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं यहाँ पे है ना, ये यहीं से आगे जाके ना, ऊपर तो नहीं है यहीं से है ना आगे जाके, मैं भूल चुका हूँ, यहाँ से हमने आगे जाना है। और हाँ, मैं लास्ट टाइम वहाँ गिरते गिरते हुए चला और बच गया, वो आप देख सकते हो स्नो है, ऊटी है स्नो है, और वो मतलब पता नहीं कैसे इकट्ठी होगी, पर जो भी है अच्छी बात है स्नो है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अपना मतलब जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं वो रूम। आइए मैं आपको रूम दिखाता हूँ अपना। तो यहाँ पे रुके हम आज रात के लिए, मतलब आज रात के लिए ही है, एक दिन का स्टे हमारा, कोई ज्यादा लंबा स्टे नहीं है, थोड़ा सा अपने रखेंगे। ये टीवी है, इसमें क्या ही चलता है भाई, चलाया हमने कुछ नहीं चलता इसमें, दिमाग खराब हो गया मेरा। मतलब गाने सुनते उस वाले टीवी में, दूसरे वाले टीवी में, पहले वाले रूम में, पर यहाँ तो कुछ ही नहीं चल रहा इस टीवी में। और पानी कैसे चल रहा भाई, वो पानी चलता छोड़ के चलेगी क्या, दिक्कत आ जाएगी। ठंड तो काफी है, तो क्या हो गया, चलता है हम भी भागते हैं। नहीं 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 नहीं, ये बच्चा यहाँ पे आराम कर रहा है। क्या हुआ भाई, क्या हुआ, मारेगा तो नहीं ये बच्चा, ये बच्चा मारने लग रहा था। कह रहा मेरी फोटो मत खींच, क्या ना करे। ने बेकार सा रूम सिलेक्ट कर लिया 900 रुपए में, कुछ नहीं है कंपैरिजन टू उसके, जिसके मतलब हम जहाँ पे पहले गए थे उसके मुकाबले बिल्कुल ही रद्दी कह सकते हैं, कुछ नहीं है। और यहाँ पे क्या है, ये टीवी कैसा रखा हुआ है टीवी, वो उसमें क्या बढ़िया, ये छोटा भी है, इसका बेड साइज मैं दिखाता हूँ आपको, बेड साइज भी छोटा, और मतलब उसके मुकाबले में ये वो 800 का मिला था, ये 900 का है। और वो फर्क उसमें ये था कि वो थोड़ा सा अंदर अंदर मिलता हमें, थोड़ा सा अंदर जाके है, ये पूरे हमें मान रोड के ऊपर मिला है। तो मेरे अकॉर्डिंग वो वाला जो रूम था वो ज्यादा बेटर था इसके मुकाबले में, आपको दिखाता हूँ जिस रूम का साइज। और तो हम कल रात यहाँ सोए थे, ये अभी भी सो रहा है अजय, मैं तो उठ चुका था, मतलब मैं सोया ही क्या, पूरी रात सोया ही नहीं हम, मतलब वीडियोज वगैरह फोटोज वगैरह ले रहे थे, और ये मैं थोड़ा सा मुंह हाथ धो के तैयार हो गया, अभी ये उठेगा और यहाँ से हम जाएंगे, देखते हैं कहाँ जाना है, अभी तो कुछ पता ही नहीं हमें, यहाँ तक भी आने का पता नहीं था पर आ गए, अब देखते हैं कहाँ जाना है। मैं आपको बाहर कई बार व्यू दिखा देता हूँ कैसा है बाहर। हाँ बाहर बंदर थे, मुझे डर लग रहा है, हाँ काटना लिए, कहाँ से बंदा है ये बाहर का व्यू, ये बर्फ, ये नीचे तो मैंने नोटिस ही नहीं किया, ये तो मैंने देखा। ओ भाई 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 डर लग रहा है मुझे इससे, यहाँ पे काफी है। ओ ये तो आ गया, ओ भाई अंदर आ रहा है ये, ओ ये क्या था, इसने सारा यहाँ पे क्या कर दिया, सोस सोस कर दिया भाई, ये पैकेट कहीं से ले गया और ये यहाँ पे खाने लग गया, इसने सारा फ्लोर गंदा कर दिया, ये कॉरिडोर, वो भाग गया, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ जा चला गया, इसका सीनियर यहीं पे कहीं पे होगा, उसने ये कर दिया, सवेरे सवेरे ये देखने के लिए मिल गया, धूप बहुत अच्छी निकली है वहां पे सामने, और ये सामने बर्फ। पैकिंग वगैरह कर लिया, बैग वगैरह पैक कर लिया, और चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ रह तो नहीं गया किसी का सामान, देख लो भाई लास्ट टाइम है हम जा रहे हैं, वो हाँ बोतल लेनी है वो पानी वाली, वो हमने ली थी, लेनी है ना यार, पानी पीना पड़ेगा भाई, बोतल ले लेना यार, बोतल उठा ले वो। तो भाई चेक ही कर रहे थे कुछ रह तो नहीं गया, और हमें मिल गया ये पानी का बोतल, मतलब हमने कल कोडिंग भी लिया था तो इसी में हम काम चला लेंगे, कड़ा भूल रहा था, और चेक कर ले कुछ तो नहीं रह रहे इसको, कंबल कंबल को हटा के। तो हम ये जा रहे हैं चेकआउट कर रहे हैं होटल से, वो अपने होटल का नाम क्या था, अच्छा होटल का नाम ड्रीम लैंड था, हम भूल गया था। तो हम ड्रीम लैंड होटल में रुके थे सिर्फ एक रात के लिए, और 3 बंदों ने पे किया 900 रुपये विद GST, और बर्फ है
बर्फ तो है। ओ भाई नीचे ये बर्फ अब गिरी है क्या?